कई बार आप सोचते हैं कि क्या आप अपने एक कंप्यूटर को एज ए दो वर्क स्टेशन की तरह काम में ले सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके घर पर कोई आपका फ्रेंड आया, आप सोचते हैं उसके साथ आपको मल्टीप्लेयर गेम खेलना है या फिर आपको कई बार कई और दूसरे कामों के लिए आपको दूसरे पीसी की जरूरत पड़ती है, तो आप सोचते हो कि क्या आप अपने जो जो आपको प्राइमरी पीसी है उसे दो वर्क स्टेशन की तरह काम में ले सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम निशांत चौधरी और आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। हमारे साथ कई बार होता है कि हमारे पास एक सिंगल चिप होता है और हम सोचते हैं कि हम इसे दो डेडिकेटेड कंप्यूटर की तरह काम में ले सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको अपने फ्रेंड के साथ कोई मल्टीप्लेयर गेम खेलना हो, तो आप इसमें दो सीपीयू क्रिएट कीजिए, एक में आपके लिए एक में आपका फ्रेंड के लिए। इस तरह आप इसमें दो सीपीयू, एक सिंगल सीपीयू से आप दो वर्क स्टेशन बना सकते हैं। ये बनाना एकदम आसान है। जैसे कि आपको एक एक्सटर्न नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है IDBK, अगर आप क्रोम में लिखते हैं IDBK.com तो वहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसका नाम है एस्टर, जिसे आप इसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, उसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ही आपसे सेटअप मंगेगा, यानी आप अपने कंप्यूटर को किस तरह सेटअप करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो डिस्प्ले, दो कीबोर्ड और दो माउस है, तो आपको इसमें साफ साफ दिखाएगा कि आपके पास ये दो डिस्प्ले, ये दो कीबोर्ड है और ये दो माउस है। इन्हें आपसे पूछेगा कि आप इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पर दो पैनल दिखाई देंगे, पहले पैनल में आपको जो प्राइमरी कंप्यूटर है उसकी इन्फॉर्मेशन, दूसरे में उसके अंदर आप अपने जो सेकेंडरी जो दूसरा वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से स्क्रीन को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, ऐसे आप कीबोर्ड माउस के साथ कर सकते हैं। आप ऐसे करते हैं तो आपका सीपीयू क्रिएट हो जाता है। जैसे आप इसमें अप्लाई पर क्लिक करते हैं आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा और दोनों में अलग अलग कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें आपको बता दूं कि जो परफॉर्मेंस होगी वो आपको जो सिंगल सीपीयू जितनी मिलेगी, यानी आपको जो पहले जो कंप्यूटर था उतनी ही परफॉर्मेंस मिलेगी, यानी कि दोनों कंप्यूटर में परफॉर्मेंस आधी आधी हो जाएगी। यानी मान लीजिए पहले आपके पास 8 GB रैम थी तो आपके पास दोनों कंप्यूटर में 4 GB रैम, आपके पास i5 प्रोसेसर था तो उस प्रोसेसर की स्पीड दोनों में बराबर हाफ हाफ हो जाएगी। यानी कि आपके पास मान लीजिए पहले गेम में FPS आते थे 60 तो वहाँ पर आपको FPS मिलेंगे 30। ये हुआ इसमें जो आपने दूसरे कंप्यूटर क्रिएट किया उसके कारण, क्योंकि दोनों में बराबर काम हो रहे हैं, दोनों में बराबर परफॉर्मेंस की जरूरत होगी, इसलिए दोनों में परफॉर्मेंस बराबर हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई अलग से हार्डवेयर नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक कीबोर्ड माउस चाहिए और एक डेडिकेटेड स्क्रीन चाहिए ताकि आप इन्हें आसानी से क्रिएट कर सकें। अगर आप ये सब करते हैं तो आपका एक वर्चुअल कंप्यूटर तैयार हो जाएगा और उसमें आप ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेल सकते हैं, अपना कोई भी जरूरी काम हो वो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि आप अपने सिंगल सीपीयू से दूसरा वर्क स्टेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।